भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हिंदी अनुवाद भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको हम याद दिला दें कि ये जो इस वक्त अध्याय चल रहा है, ये द्वितीय कांड का चौथा अध्याय है और इस चौथे अध्याय का चौथा भाग है द्वितीय कांड का, और चौथे भाग का ये दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक है यशोधरा और राहुल इनसे भेंट। आपको पता है कि हमने पिछली कड़ी में देखा कि तथागत बुद्ध अपने विशाल भिक्खु संघ के साथ इस समय कपिलवस्तु में आए हैं राजा शुद्धोधन के निमंत्रण पर, और जब वे वहां पर आए, राजा शुद्धोधन से उनकी भेंट हो चुकी है। पिछली कड़ी में हमने देखा उनका जो वार्तालाप हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, आज यशोधरा और राहुल इनसे ये भेंट हो रही है। बाबा साहेब लिखते हैं, तब तथागत को शुद्धोधन घर में लेकर गया और परिवार के सभी लोगों ने उन्हें अभिवादन किया। ये जो बाहर जो वार्तालाप हो रहा था, जहां राजकुमार सिद्धार्थ जो बुद्धत्व प्राप्ति के बाद सम्यक संबुद्ध बनकर जब कपिल वस्तु में लौट आए हैं, और वे कपिल वस्तु के गांव में, कपिल वस्तु के घरों में उनके सामने जाकर भिक्षाटन कर रहे हैं, और राजा शुद्धोधन का वार्तालाप वहीं चल रहा था। राजा शुद्धोधन ने तथागत बुद्ध को महल में लेकर गए, शुद्धोधन घर में उनको लेकर गए, परिवार के सभी लोगों ने उन्हें अभिवादन किया, लेकिन राहुल माता यशोधरा नहीं आई। यशोधरा मतलब राजकुमार सिद्धार्थ की सहचारिणी। अब यह सहचारिणी नहीं आई। सब लोग आए, सबने अभिवादन किया, परिवार के लोग आए, दरबारी थे सब, लेकिन यशोधरा नहीं आई। जब शुद्धोधन ने सूचना भिजवाई तो उसने कहलवा भेजा कि मैं किसी योग्य समझी जाऊंगी तो सिद्धार्थ यहीं मुझे मिलने आएंगे। अब देखिए, ये यशोधरा की बात है। यशोधरा का कहना है कि यदि सिद्धार्थ मुझे किसी योग्य समझेंगे तो मुझसे मिलने आएंगे। अब इस बात को आप उस प्रसंग के साथ जोड़कर देखिएगा, जब राजकुमार सिद्धार्थ संधागार से निकले थे, सेनापति से उनका वार्तालाप हुआ था और उन्होंने ये निर्णय लिया था कि मैं देश छोड़कर चला जाऊंगा, परिव्राजक बन जाऊंगा। और तब यशोधरा को याद कीजिएगा, तब यशोधरा का क्या कहना था कि आप जा रहे हो, जाओ, ये चिंता मत करना कि एक वयोवृद्ध पिता और एक अबोध बालक को यहां छोड़कर जा रहा हूं, ये मत सोचना, मैं इन्हें देख लूंगी, मैं इन्हें संभाल लूंगी, लेकिन अगर जा रहे हो तो उस कार्य को पूरा कर कर आना जिसके लिए घर से बेघर हो रहे हो, उस उद्देश्य को प्राप्त करके आना। और अब उस उद्देश्य को प्राप्त करके तथागत लौटे हैं। आप देखिएगा कि तथागत के बुद्ध होने में यशोधरा, इनकी कितनी भूमिका बनती है, जो उनकी सहचारिणी है। इसमें देखिए, ये जो भूमिका है, ये किसी एक के व्यक्तित्व का प्रयास नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की भावनाओं का भी प्रयास है, उनकी संवेदनाओं का प्रयास है, उन्होंने जो वातावरण तैयार करके दिया ये उसका प्रयास है। और आज तथागत बुद्ध ये लौट कर फिर जब कपिलवस्तु में आए हैं, तो देखिए कि यशोधरा का ये कहना है कि अगर मुझे
सिद्धार्थ किसी योग्य समझते होगे, ये स्त्री के सम्मान की भी बात है कि अगर इसे किसी योग्य समझते होगे तो मुझसे मिलने आएंगे। फिर आगे बाबा साहेब लिखते हैं, अपने सभी संबंधियों से भेंट हो चुकने पर सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा कहाँ है? सभी से भेंट हो गई, बातचीत हो गई, फिर उन्होंने पूछा कि यशोधरा कहाँ है, तो उत्तर दिया गया कि उसने आने से इनकार कर दिया है। सिद्धार्थ तुरंत उठे और सीधे उसके भवन में गए। सिद्धार्थ ने जब इतनी बात सुने, मतलब तथागत बुद्ध ने जब इतनी बात सुने कि उसने सिर्फ ये कहा है कि वो मिलने नहीं आएगी, वो अपने कक्ष में है और उसने आने से इनकार कर दिया है, तो तथागत स्वयं उनके कक्ष की ओर चले गए। अब यहां एक प्रसंग देखिएगा, बाबा साहेब लिखते हैं, और ये प्रसंग बुद्ध चरित में हमें जैसा का वैसा भी मिलता है, ये वहीं से बाबा साहेब लेकर आए हैं। सारिपुत्र और मोदग्लायन को, जिन्हें वे यशोधरा के कमरे में भीतर तक साथ ले गए थे, तथागत ने कहा, तथागत अकेले नहीं गए, सारिपुत्र और मोदग्लायन साथ में थे। सारिपुत्र और मोदग्लायन ये तथागत के ज्येष्ठ श्रावकों में आते हैं और ऐसे शिष्य जिनके प्रति पूरे बौद्ध जीवनचर्या में और बुद्ध जीवनचर्या में ये कहा गया है कि जब सारिपुत्र और मोदग्लायन कभी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वयं तथागत बोल रहे हैं। तो ये उनका स्तर था और सारिपुत्र और मोदग्लायन को साथ लेकर गए, लेकिन तथागत देखिए उनसे क्या कहते हैं। सारिपुत्र और मोदग्लायन से तथागत कहते हैं, मैं तो मुक्त हूं लेकिन यशोधरा अभी मुक्त नहीं है। इतने लंबे अरसे तक मुझे नहीं देखा है इसलिए वो बहुत दुखी है। जब तक उसका दुख आंसुओं के मार्ग से बह न जाएगा उसका जी भारी रहेगा। यदि वो तथागत का स्पर्श भी करे तो उसे रोकना नहीं। ये बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। तथागत कहते हैं कि बंध मुक्त तो मैं हूं, बंध मुक्त मैं हूं, यशोधरा नहीं। मैं बंधनों से मुक्त हुआ हूं लेकिन जब तक वो रोएगी नहीं तब तक उसका मन हल्का नहीं होगा। उसके मन पर अभी तक बोझ पड़ा है और इसलिए यदि वो तथागत को छू भी ले तो उसे रोकना नहीं। ये बड़ी स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है कि एक सहचारिणी जब अपने सहचर को देखे और वो इतने वर्षों बाद जो जंगल जंगल वहां की खाक छान कर एक नए मार्ग को लेकर लौटा है और सारिपुत्र और मोगलायन साथ में है और वे जानते हैं विनय को, तो वे रोक सकते थे। इसलिए तथागत ने सारिपुत्र और मोगलायन जी से कहा कि देखो मैं बंध मुक्त हूं, यशोधरा नहीं। अगर वे मुझे छू भी ले तो उसे रोकना नहीं। वो जब तक रोएगी नहीं तब तक उसका मन हल्का नहीं होगा। दुख आंसुओं के मार्ग से बह जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो जब तक फूट फूट कर नहीं रोते हैं उनका दुख हल्का नहीं होगा। हमारे आसपास के लोगों को भी आपने देखा होगा, ये एक बड़ी प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये बड़ी स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि लोग फूट फूट कर न रोएं तब तक उनका मन हल्का नहीं होता, तब तक बड़े तनाव में होते, बड़े बोझ में होते हैं। यशोधरा सोच विचार में गहरी डूबी हुई अपने कमरे में बैठी थी। तथागत ने प्रवेश किया तो भक्ति बाहुल्य से उसका वही हाल था जो किसी लबालब भरे पात्र का हो और जो अपने में समा न सके। ये कविता जो है ये वर्णन है, काव्य वर्णन उस प्रसंग का। जब बुद्ध चरित में इसका वर्णन जब आगे बढ़ता है तो देखिए ये जो लिखा गया है कि यशोधरा का हाल बिल्कुल वैसा ही था जो लबालब भरे कोई पात्र की तरह, जिस पात्र में उस समा नहीं रही चीज, और वो लबालब पात्र जो भरा हुआ है उसमें पानी की एक एक बूंद गिरती जा रही है और वो इधर उधर फैलती चली जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही
ऐसे ही उसका हृदय भक्ति के भाव से भरा हुआ था और वो ये भूल गई, वो ये भूल गई उसका स्नेह भाजन महामानव बुद्ध है, वो इस बात को भूल गई। लोक गुरु है, सत्य का महान उपदेष्टा है, उसने बड़े जोर से उसके चरण धरे और जोर जोर से रोने लगी। बड़ी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी ये यशोधरा की। उसने जब देखा साक्षात उनका सहचर जो सामने खड़ा है, भले ही चीवर में, वो भूल गई कि ये तथागत बुद्ध है, ये लोक गुरु है, ये एक महान उपदेष्टा है, वो भूल गई और सीधे उनके चरणों को उनने पकड़ लिया और उन चरणों में को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। लेकिन जब उसे उस इसका ध्यान आया कि शुद्धोधन भी वहां आ चुके हैं, तो उसे लज्जा आई, वह उठी और बड़ी भक्ति भावना सहित एक और बैठ गई। इसमें यशोधरा ने एक छोटी सी जिद पकड़ ली थी कि यदि सिद्धार्थ ये इस लायक समझते हैं कि वो मैं भी कुछ हूं तो मुझसे मिलने आए, और तथागत स्वयं वहां उसके उनके कमरे में पहुंच गए। और वो जब तथागत को साक्षात देख लिया तो उनके चरणों में फूट फूट चरणों में उनके चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। और ऐसे में वो भूल गई कि वहां शुद्धोधन भी आ चुके हैं। अब उठी और उठकर बड़ी भक्ति भावना सहित एक और बैठ गई। शुद्धोधन ने यशोधरा की ओर से बोलते हुए कहा, यहां शुद्धोधन ने, क्योंकि शुद्धोधन पहले तथागत की बात सुन चुके थे और वे अपने मन को हल्का कर चुके थे, तो उन्होंने कहा यशोधरा की ओर से बोलते हुए कि इसका ये जो व्यवहार है कुछ क्षणिक भावना का परिणाम है, इसने बड़ी गहरी भक्ति का परिचय दिया है। इन 7 वर्षों में जब से तुम इसे छोड़कर चले गए, जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने अपना सिर मुंडवा लिया, इसने भी वैसा ही किया। जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने गहनों और सुगंधित द्रव्यों का परित्याग कर दिया, तो इसने भी वैसा ही किया। जब इसने सुना कि सिद्धार्थ एक आहारी हो गए हैं, तब से यह भी मुक्ति का पात्र में एक ही बार आहार ग्रहण करने लगी। अब देखिएगा कि इसमें सिद्धार्थ गौतम राजकुमार की अकेली तपस्या नहीं है, इसके साथ यशोधरा का भी एक सी तपस्या, एक सा प्रयास, एक सा तप, ये दिखाई देता है। बस फर्क इतना है कि राजकुमार सिद्धार्थ जंगल में है और यशोधरा महल में, लेकिन वो भी किसी संन्यासन की तरह। और छोटे राहुल और बुजुर्ग शुद्धोधन और महाप्रजापति ये अपने सास ससुर को साथ लेकर और अपने अब छोटे से बच्चे को साथ लेकर वो इन सारी साधना के साथ बनी हुई है। इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगली कड़ी में यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।